स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में। तो इस समय एक बड़ी वारदात सामने आई है। रेप नहीं कर सका तो कर दी हत्या। विधवा महिला को जंगल में अकेला पाकर की जबरदस्ती। विरोध करने पर कुल्हाड़ी छीनकर किया हमला। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक विधवा महिला की हत्या कर दी गई है। महिला को इसलिए एक युवक ने मार दिया क्योंकि वो उसे जंगल में अकेला पाकर उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, मगर महिला ने उसे इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज युवक ने महिला से ही कुल्हाड़ी छीनकर उस पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला आस्था थाना क्षेत्र का है। दरअसल जरहापाठ निवासी जयपाल राम ने मंगलवार को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि 19 फरवरी को मेरी बहन झिबरी बाई 50 वर्ष घर से बकरी चराने के लिए मुनकुपाठ टोकरी के जंगल में गई थी। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वो अब तक घर ही नहीं लौटी है। इसके बाद पुलिस ने इस केस में जांच शुरू की थी। जयपाल ने बताया था कि झिबरी बाई अपने पति की मौत के बाद से उसके साथ ही रहती थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उसी जंगल में पड़ताल की तो झिबरी बाई का शव जंगल में एक झाड़ी के पास मिल गया। पुलिस को जब उसका शव मिला तो उसके शरीर में काफी चोट के निशान थे। सिर में किसी औजार से वार किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसी जंगल में और तलाश की तो घटनास्थल से कुछ दूर में पुलिस को एक कुल्हाड़ी मिल गया, जिस पर खून लगा हुआ था। इस पर पुलिस ने FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया। इधर FSL की टीम जांच कर रही थी, वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची थी और उस कुल्हाड़ी को सूंघते हुए डॉग स्क्वाड का कुत्ता सुलेंद्र राम के घर 28 वर्ष के पास रुका। तब पुलिस को सुलेंद्र पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सुलेंद्र के घर में भी पूछताछ की, मगर सुलेंद्र घर पर नहीं था। फिर पुलिस ने गांव और उसके काम करने के ठिकानों पर भी दबिश दी, पर उसका कुछ पता नहीं चला। बताया गया कि मंगलवार दिन में पता करने पर जब उसका कुछ पता नहीं चला तब पुलिस ने उसके घर के आसपास लोगों को तैनात कर रखा था। उधर रात के वक्त सुलेंद्र जब घर पहुंचा तब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सुलेंद्र ने बताया कि 19 फरवरी की दोपहर को वो जंगल में गया था। वहां उसने झिबरी बाई को देखकर सुलेंद्र ने कहा कि वो महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, इसलिए जबरदस्ती की, मगर वो नहीं मानी। इसलिए गुस्से में आकर पहले उसकी ही कुल्हाड़ी को छीना, फिर उसी कुल्हाड़ी से उसके सिर और शरीर के अन्य स्थानों पर वार किया, जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो गई थी। आरोपी उसकी हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में डाल दिया था। फिलहाल आरोपी के बयान के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पूरे मामले का खुलासा किया है।